हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DHFL का स्टॉक और उसकी जो क्राइसिस आई उसके बारे में। तो बेसिकली स्टॉक एनालिसिस भी रहेगा और आपको क्राइसिस के ऊपर एक अपडेट भी मिल जाएगा कि अभी क्या हो रहा है। तो होता क्या है, सेप्टेम्बर के महीने में न्यूज़ आती है DSP म्यूचुअल फंड ने DHFL के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को एट अ यील्ड ऑफ 11% सेल कर दिया मार्केट के थ्रू। तो बेसिकली यील्ड इतनी हाई थी कि लोगों को लगने लगता है कि अगली कंपनी यही है डिफॉल्ट जो करेगी। और उस दिन आपको ध्यान होगा सितंबर में एकदम इसका स्टॉक गिरता है और 600 से क्रैश होता होता 300 को भी तोड़ देता है और फिर अराउंड 400 पे जाके बंद होता है। और उसके बाद से इसके स्टॉक की पिटाई हो रही है, न्यूज़ आनी शुरू हो गई, हर चीज़ उसके बाद ही हुआ है। उसके कुछ टाइम बाद रेटिंग एजेंसीज भी इसको डाउनग्रेड कर देती हैं, इसके जो ऑलरेडी कॉमर्शियल पेपर्स या जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मार्केट में थे उन सबको डाउनग्रेड कर दिया जाता है और कंपनी को भी डाउनग्रेड कर दिया जाता है। यानी कि ये सीधा इसको ए रेटिंग से डी रेटिंग पे ले आते हैं, जो इनको बेस्ट रेटिंग दे रखी थी वो थी, और सीधा ये जंक की रेटिंग पे ले आते हैं इसको। तो बेसिकली कंपनी अब लेंडिंग कर नहीं सकती और मतलब वो क्योंकि वो पैसा ही नहीं रिसीव कर पा रही तो लेंड कहाँ से करेगी। प्लस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से तो इसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर्स हैं उसमें भी ये लोग पैसा नहीं चुका पाएंगे। बट मेरे को जो लगता है मेन दिक्कत वहाँ से स्टार्ट हुई जब रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया। जैसे ही रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड किया उसके बाद DHFL जिन रेट्स पे पैसा पहले उठा पा रही थी उस पे नहीं उठा सकती थी अब, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक मेथड होता है लेंडिंग का। मान लीजिए वो ए कंपनी को जो ए रेटेड कंपनी है उसको मान लीजिए कि 9% पे पैसा दे रहे हैं, बी रेटेड कंपनी को मान लीजिए 11% पे पैसा दे रहे हैं, सी रेटेड कंपनी को मान लीजिए 14% पे पैसा दे रहे हैं, और डी अगर आप जंग रेटिंग हो तो हो सकता है वो 25% पे भी पैसा ना देने को माने। तो जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा रिसीव नहीं कर सकता, वो बोरो नहीं कर सकता, तो फिर वो लैंड कैसे करेगा। तो जैसे ही रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उस समय बिल्कुल स्टॉक का हो गया था कि अब ये कंपनी नहीं सर्वाइव कर सकती, करंट मैकेनिज्म या मेथड जो भी चल रहा है उसके हिसाब से ये लोगों को या तो बिजनेस बेचना पड़ेगा या रेटिंग एजेंसीज को कुछ मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे रेटिंग अपग्रेड होगी, इनकी क्या होगा। बट रेटिंग डाउनग्रेड आते ही क्लियर हो गया था कि DHFL का गेम ओवर हो चुका है। तो उसके बाद मैनेजमेंट काफ़ी न्यूज़ नेटवर्क्स पे भी आई, उन्होंने काफ़ी बात करी कि एकदम रेटिंग डाउनग्रेड हो गई और उससे हमें इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने अपना फिर ट्राई करी कि बिजनेसेस सेल ऑफ करके कम से कम जितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं जब तक आप पे कर सकते हैं करें। तो इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेच दिया, इन्होंने अपना रिसेंटली अभी कल परसों में ही जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी बेच दिया है, इन्होंने अपना अफोर्डेबल हाउसिंग का बिजनेस जिसका नाम था आधार हाउसिंग उसको भी सेल कर दिया। और लेंडर्स के साथ इनकी लगातार बातें चल ही रही हैं कि इनको किस तरीके से निकाला जाए बाहर, क्या किया जाए। और ये मैं कहूँगा एक क्लासिक केस रहा है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का। तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच के अंदर होता क्या है, मान लीजिए कि DHFL एक इंस्टीट्यूशन है जिसने पैसा बोरोअर से रिसीव किया है और उसके पास अभी मान लीजिए 500 रुपये पड़े और उसने फिर आगे अपना लोन बांटना शुरू कर दिया कस्टमर्स को। अब जो कस्टमर्स को लोन बांटा है उसने वो 500 रुपये का, तो बेसिकली होना क्या है कि वो लोन आएगा लेट से क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है 10 साल बाद 20 साल बाद, तो उसमें टाइम लगेगा आने में। बट इनको इन्होंने जिनसे बोरो कर लिया पैसा उनको तो अभी चुकाना है। तो मान लीजिए DHFL का मॉडल बहुत अच्छा है, वो 500 रुपये लेती है और 550 पे उसको आगे दे रही है कि 550 हमें वापस मिलेंगे। बट अगर ये 500 रुपये जो इन्होंने रिसीव किए थे किसी बैंक से मान लेते हैं हम, तो वो इनको अगर 1 साल बाद चुकाना है और वो 550 रुपये इनके 10 साल बाद आएंगे तो फिर एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाता है, यानी कि अपनी डेट ऑब्लिगेशंस चुका नहीं पाएंगे। कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती एक तरीके से, कंपनी के पास एसेट्स बने रहते हैं हर समय, बट कंपनी इस समय पैसा नहीं चुका सकती। तो एसेट्स होने के बावजूद भी क्योंकि वो पैसा 10 नहीं 15 नहीं हो सकता 20 साल बाद आना है, कंपनी पैसा अभी जो इमीडिएट उसे चुकाना है वो नहीं कर सकती। और जब ये एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच हुआ तो आपको एक्चुअली पता चला होगा कि मार्केट में कितने भी लोग ट्रैक कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस को, बहुत कम है जो डीपली रिसर्च करके चेक करते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एसेट लाइबिलिटी मिसमैच भी। और एसेट लाइबिलिटी मिसमैच एक फाइनेंशियल कंपनी का बहुत ही बेसिक है, ब्रेड एंड बटर आप कह लो। अगर एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच है तो फिर कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा था और आई एम श्योर कि आप में से जिन्होंने पैसा खोया है DHFL में या जिन लोगों का इंटरेस्ट आना था वहाँ से और डिबेंचर्स खरीद रखे थे और वो नहीं आ पा रहा है, तो आप लोगों को भी काफ़ी झटका लगा होगा कि यार ये क्या बात है कि मार्केट में कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा था, एक टाइम को 690 पे था शेयर और एकदम से क्रैश होके इतना नीचे आ गया। तो ये अब मैंने देखा इस मार्केट के अंदर कि जब
मार्केट बढ़ रही होती है तो लोग फंडामेंटल्स छोड़ छोड़ के हर चीज़ देखने लगते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का, उसके अंदर उनसे पूछा था कि आपने DHFL क्यों उठाया, आपने कोई और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्यों नहीं उठाई, और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सबसे सस्ती ट्रेड हो रही थी वैल्यूएशंस पे, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। बट आपको जब आपने DHFL जैसी कंपनी बाय करी और इसके अंदर जितना नुकसान होते हुए देखा, तो आपको आई एम श्योर अब समझ आ गया होगा कि क्यों ग्रू फाइनेंस इतनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होती थी और DHFL इतने कम पे। गाइज अगर खाली ALM की बात होती लेकिन ना, तो इसका केस अब तक वाइंड अप हो चुका होता, ये किसी को सेल ऑफ हो गई होती, जैसे इसके बाकी के बिजनेसेस हो गए जिनके अंदर ALM की दिक्कत नहीं थी। बट हुआ क्या, कोबरा पोस्ट ने एक वीडियो बनाई, एक वो निकाला कि इन्होंने साइफन ऑफ करें फंड्स, और उसके बाद बैंकर्स ने लेड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करी कि आप हमें पता लगवाओ कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, और उसके लिए इन्होंने KPMG को हायर किया। तो KPMG की एक फाइंडिंग जो आई वो ये था कि बैंकर से जब इन्होंने 27,000 करोड़ रुपए लिए थे, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट, अराउंड 67% अमाउंट इन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस में लगा दी, ना कि आगे कस्टमर्स को लोन देने में। तो इन्होंने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा किसी चीज़ के लिए लिया है और इन्वेस्ट कहीं और कर दिया उसको, मतलब रहा वो एक तरीके से बिजनेस के अंदर ही, बट आप खुद देखो म्यूचुअल फंड बिजनेस को इतने पैसे की जरूरत नहीं होती। तो इन्होंने हो सकता है क्या किया हो, पैसा रिसीव किया, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया कि मार्केट बढ़ रही है तो हो सकता है हमारा पैसा बढ़ता रहे, और वो फिर हम चुकाते रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट में कैसे आ रहा है या क्या आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे स्टॉक मार्केट की एवरेज रिटर्न्स 15% के अराउंड रहती हैं पर एनम ओवर अ लॉन्गर पीरियड, और अगर आप देखोगे कि इनको जो इंटरेस्ट पे आगे पैसा देते, तो मे बी इनको जैसे 8% पे पैसा मिला है तो ये आगे 10% पे लोन दे रहे होते, तो इनको 2% का ही मार्जिन होता। बट अगर 8% पे पैसा लेके आप 15% कमा पा रहे हो, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास मार्जिन बढ़ गया, आपके पास 7% का मार्जिन आ गया। तो इन्होंने काफ़ी पैसा अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस में डाल दिया, हो सकता है बिजनेस प्रमोट करने के लिए डाला हो सकता है इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ही खुद के बाय कर लिए हों, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है इतनी। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट अब बैंकर्स ही जानते हैं एग्जैक्टली क्या है, बट कभी भी आप जिस भी चीज़ के लिए पैसा उठाते हैं, अगर आप उसको वहाँ यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर रहता है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि DHFL ने अराउंड 25 ग्रुप कंपनीज को पैसा दिया, और कितना दिया आप यकीन नहीं करोगे, 14,000 करोड़ रुपए दिए। और ये जो 14,000 करोड़ रुपए दिए इन्होंने अपनी 25 ग्रुप कंपनीज को, उन कंपनीज का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ भी नहीं आ रहा था। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इतनी कंपनीज को आपने पैसा दे दिया और वो ग्रुप कंपनीज ही थी, तो साइफन ऑफ हुए हैं फंड्स, कहीं ना कहीं मिसयूज तो 100% हुए हैं। तो गाइज ये तो रहा सारी जो फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आई है, उससे पहले क्या क्या गड़बड़ हुई, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हुआ, कैसे इसका स्टॉक क्रैश हुआ था। तो गाइज रिसेंटली लेकिन एक न्यूज़ आई है कि इनको 500 करोड़ तक की लिमिट पे लेंडिंग अलाउ कर दी गई है, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि DHFL बड़ा एक्टिवली ढूंढ रहा है कि कोई इसको बाय कर ले, और कोई इसको बाय तभी करेगा जब इसका बिजनेस कुछ चल रहा होगा। तो अगर 500 करोड़ की भी इनको लेंडिंग अलाउ हो जाती है, तो कम से कम ये लोग अपना बिजनेस रिज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि कोई एक्वायर कर ले। तो गाइज ये तो सारा रहा कि इसका जो क्राइसिस रहा है, ये कंपनी क्या करती थी, अब क्या चल रहा है, बट आपको इसका शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था DHFL का शेयर अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है। तो इसका मतलब क्या है कि DHFL में मुझे लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव हैं, 5% ऊपर चला जाता है, 5% नीचे चला जाता है, और वॉल्यूम भी आ रही है। बट एज एन इन्वेस्टर, और मैं कहूँगा इवन एज अ ट्रेडर, अगर आप नए ट्रेडर हैं मार्केट में, आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा DHFL से बिल्कुल दूर रहिए। आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है फाइनेंस की, हाउसिंग फाइनेंस की, तो आप प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से मिलिए, उनसे ढंग से समझिए कि आप इस कंपनी में पैसा क्यों लगवा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं लगवा रहे। क्योंकि बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि ये कंपनी सस्ती है वैल्यूएशन पे, बट उससे एक्चुअली आप जज नहीं कर सकते क्वालिटी को। क्वालिटी को अगर आप सस्ती वैल्यूएशन से जज करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो फिर आप हमेशा ही पछताएंगे। और जब 2017 का बुल रन चल रहा था, तो सारे ही शेयर्स भाग रहे थे, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए, और अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ जो आपके गोल को मीट करती हैं, एक पोर्टफोलियो ऐसा कंस्ट्रक्ट करवाइए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अराउंड 15% की रिटर्न्स आपको देता रहे, और उससे आप यकीन नहीं करेंगे कितनी वेल्थ क्रिएट होगी अगर आप उस पोर्टफोलियो को टाइम देंगे ग्रो करने का। तो गाइज मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।